हेलो गाइस, दिस इज एक योर फ्रेंड, यू आर वाचिंग ले एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं कल नाको में ही रुक गया था। कल पूरे दिन मैंने नाको को एक्सप्लोर किया और अब टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और मैं हूँ नाको में और मुझे निकलना है आगे की साइड, आई मीन काजा की तरफ। सो वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, इधर भी स्नोफॉल जैसे हालात है और इधर तो ऑलरेडी स्नोफॉल चल ही रहा है। सो अभी मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया, मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो मैंने आगे जाने का फैसला किया है और जैसे कि आप देखिए उधर बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है। सो कोई नहीं, अब होगा क्या कि मैं अपनी बाइक को ऑलमोस्ट रेडी कर लूँगा, थोड़ी देर में सामान बांध दूँगा और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करते ही सामान पैक कर और मैं यहाँ से निकल लूँगा। गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। सो क्या खिला रहे हैं आज ब्रेकफास्ट में। शुरू में चाय और सत्तू। सो दोस्तों, सत्तू एंड टी सुबह का ब्रेकफास्ट है, ये हर बार का अच्छा है। दमदार चीज है। सो ओके गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं रात यहाँ नम सकीता होमस्टे में रुका था। सो काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यहाँ की, हर बार मैं यहीं पर रुकता हूँ। और ये है वो ब्यूटीफुल सी फैमिली जो मतलब हमारा ख्याल रखती है, जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट और राइडर आते हैं। सो अब टाइम आ गया है इनको अलविदा कहने का, मुझे जाना है काजा। अच्छा। और वैसे बीच में कुछ प्लान चेंज हो सकता है मेरा मन गीव जाने का भी है। सो अगर गीव का रास्ता खुला हुआ तो गीव मोनेस्ट्री जाऊंगा, वरना फिर सीधा काजा। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जियो का नेटवर्क लग चुका है इसी साल और 1080p की स्पीड है, काफ़ी अच्छी 4G की स्पीड से चलता है। सो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं अब आपसे ऑन द वे, कहता हूँ इन सभी को बाय बाय। गुड बाय सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे रास्ते में। बिल्कुल मिलते हैं। सो अब थोड़ी धूप निकली है तो थोड़ी सी उम्मीद बंधी है कि हाँ बाइक चलाने में मज़ा आएगा, वरना अब से पहले तो बहुत तगड़े वाली सर्दी लग रही थी। गाइस, नाको में आप कभी भी 24/7 आ सकते हैं अगर रास्ता खुला हुआ है। ऑन सीज़न में तो खुला ही रहता है, ऑफ सीज़न में पता करना होता है, ठीक है। सो पता करने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा ले एक्सप्रेस से, और उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए एट्सेट्रा, और मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज ले एक्सप्रेस, ये सभी तीनों एक ही नाम से हैं। सो गाइज, मैं निकल रहा हूँ नाको से और आज का मेरा टारगेट है गीव मोनेस्ट्री। ओके, सो यहाँ से राइट लेना होता है। ओके, सो सुमदो है यहाँ से 30 और शलखर है 22 और चांगो है 17। सो चलिए गाइज, बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। खतरा, आगे स्लाइडिंग एरिया है, कृपया गाड़ी रोकिए। सो गाइस, इस वाले रूट का, ये जो नाको से आप जब चलते हैं इस पर, ये वाला पैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ लास्ट टाइम मैं खुद गिरा हूँ, बाइक इधर उधर भागी है। सो अब तो ठीक है, रास्ते पर बर्फ़ नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैक आइस का कुछ नहीं पता होता। ब्लैक आइस पड़ी होती है, दिखेगी नहीं आपको, ठीक है, जैसे ये मिट्टी पड़ी है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो ये वाइट वाला जो पड़ा है, ज़िंदगी तुम्हारी है, प्यार से चलिए, कोई जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको जल्दी ही निकलना है। जय माता दी देवी टेम्पल, वेलकम टू मलिंग। सो गाइस, मलिंग नाला आ रहा है और ये विंटर्स में इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब पूरी की पूरी बर्फ़ जो है रोड पर होती है। आप देख रहे होंगे अभी भी रोड पर, ये मुझे खड़ा होना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। और ये वाला कुछ पैच इस तरह का बना हुआ है कि आपकी बाइक यहाँ पर प्रेशर मानती है, आई मीन देख रहे हो ना, ये हिमालयन है फिर भी इसको कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा है। ओके, सो आज तो मलिंग नाले पर धो रहे हैं कपड़े। ओके, सो आप लोग ग्लव्स पहनकर कपड़े धो रहे हैं ठंडे पानी में। सो गाइज, आज हो रहा है मलिंग नाले का सही इस्तेमाल, कपड़े धोए जा रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं ठंडे पानी में ग्लव्स पहनकर कपड़े धो रहे हैं। भाई साहब, मुझे देखकर ही ठंड लग रही है। ओके मैम, बाय बाय।
बाकी अब आएगी एक बहुत ही खतरनाक एजिस, यहाँ पर देखना, वो इतना शार्प कॉर्नर है, ऐसा लगेगा कि गाड़ी बस नीचे जाने वाली है। अभी देखना, बस इस कोने पर आएगी वो इस पॉइंट का। लास्ट टाइम मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियो देखकर बोला, भाई आप पैरासूट रखा करो, इनके ऐसा अगर नीचे गिरती है तो कम से कम खोल कर उड़ तो जाओगे आप। अभी आएगा, देखना कितना गहरा है वहाँ पर। ये वाला पैच है जो मुझे डरा देता है, बाकी मुझे हाइट से डर नहीं लगता। ओके 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 गाइस, फाइनली अपनी सांसों को थाम लीजिए। वो देखिए कितना गहरा है। ओ नो वे, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा गहरा है, बहुत गहरा है। और आज मौसम मेरी वाट लगा देगा, कन्फर्म है, क्योंकि सामने से ख़राब दिख ही रहा होगा। आज पक्का आपको स्नोफॉल मिलेगा 101%। ओके फैमिली, और क्या हाल चाल है भाई लोगों, कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी आ रहे हैं टावो से। मौसम कैसा है? ठीक है। बर्फ तो नहीं पड़ रही? नहीं। शाम तक बना देगा ये बर्फ, मुझे लग रहा है। सुबह नाकों में पड़ी है थोड़ी सी, थोड़ी पड़ी है। हाँ अकेले ही मैं। ये लास्ट ईयर मैंने सिटी 100 से किया था पूरा पैच। अरे बाप रे। हाँ हाँ, क्या बात है। सिटी 100 से इस बार मैंने सोचा बड़ी स्वाति को लेके चलते हैं, शिवानी को खड़ी कर देते हैं इस बार। हाँ बहुत कंफर्ट है। ताजा में बर्फ भी काफी है। हाँ काजा में बर्फ है, बंद है। किब्बर गए थे आप? किब्बर नहीं गए, चीचम तक हो गया है। चीचम के लिए हाँ लेफ्ट कट, तो खिबर नहीं जा सके, तो यानी बर्फ है रास्ते में काफी। हमारे साथ टूरिस्ट वाला है, हमारे साथ ऐसे ही बोला बंद है। आप ब्लॉगिंग करते हो क्या? हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो चलिए, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, मैं चलता हूँ, है ना, मुझे निकलना है काफी लंबा। ओके गाइस, नाइस टू मीट यू। सो यहाँ पर मिले हैं मुझे कुछ राइडर फ्रेंड। ओके सो गाइज, रास्ते में पड़ी मिलेगी आपको ब्लैक आइज, और आपको रखना है ध्यान, ब्लैक आइज विद डस्ट विद वाटर, बहुत सारा खिचड़ी मिलेगा आपको, इसलिए बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से। और इस वाला पैच का तो ये तो मेरी पुरानी वीडियो में भी है, अभी खाली यही नहीं है, आगे और आएगा। हो ये सब बर्फ है, बहुत बर्फ है, दबी पड़ी है इस रेत के नीचे। ये भी प्यार से। सो ये ना आपको धूल चटा देगी 2 मिनट में, इससे पंगा मत लेना, ये इसके अंदर छुपी रहती है, ये बीच में पड़ा है ना। सो ये जो सभी डेस्टिनेशन है, नाको, टाबो, चांगो, ये सब इसी रास्ते पर पड़ती है। सो बस से आप आसानी से आ सकते हैं, और बाइक से आ सकते हैं। हाँ लेकिन बाइक से आने पर आपको अच्छे गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त वाले, वरना आपको ठंड बहुत लगेगी, क्योंकि नाकों का ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 12,000 प्लस है, और रास्ता भी काफ़ी डेडली सा है, बराबर में आपको बहुत गहरी खाई मिलेगी। नहीं पहचाना? अरे यहाँ कैसे? मैं स्पीड जा रहा हूँ, अकेले ही सोलो ना? हाँ मैं अकेले ही जाता हूँ। फिर अभी वो हो गया काम? अभी शिंकुला से आया था मैं अक्टूबर में। अच्छा। फिर मैंने आते ही ये प्लान कर लिया था। अच्छा। मैंने कहा स्पीति करता हूँ। सही है। रुको रुको रुको, अरे 4-5 दिन से धूल में ही चल रहे हम तो। मुझे सीधा खड़े होने दी ऐसे, अब सीधा देखो फोटो। हाँ बिल्कुल, फिर टैग करेंगे ना फेसबुक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर 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 यहाँ पेनियर्स पे लगाने थे। अच्छा वो वहाँ लगा दिया, चलो ठीक है। ठीक
सो मैं इस वाले स्पॉट पे रुक गया हूँ। जैसे ही आप नाको से नीचे उतरते हैं, क्योंकि नाको इस पहाड़ के पीछे है, सो ये जो रोड जाता है ये नो रोड है, आगे बंद है ये वाला, और ये वापसी में जाता है, पुहू जाता है, पियो जाता है, नाको जाता है, मलिंग जाता है। तो मैं अभी नाको से वापस आया हूँ इधर स्पीति जाने के लिए, और रास्ते में आएगी सुमदो एक जगह। सो चलते हैं गाइज, और देखें ये हैं सेब के बागान, सूखे हुए हैं, अब तो इनका सीज़न नहीं है। सो स्पीति जाते समय ये वाला पैच बहुत ही खूबसूरत है गाइज, एकदम स्ट्रेट रोड है ये, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बाकी है बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये पूरा रास्ता गाइज लैंडस्लाइड से भरा हुआ है, यहाँ बिना हेलमेट और नी गार्ड के आने की कोशिश मत करना। इस पूरे रास्ते पर आपको शूटिंग स्टोन मिलेंगे, और मैम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए ये ऊपर से गिरने वाले पत्थर को झाड़ू से साइड में कर रही हैं, मगर हवा इतनी तेज़ है कि ऊपर से गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, गिर देखिए ये गिरा अभी एक, सो इनकी भी गलती नहीं है, ये भी कब तक साफ करेंगे। तो ये रास्ता जाता है वेलकम टू ग्यू विलेज। ओके सो गाइज मैं यहाँ से लेता हूँ राइट, क्योंकि मुझे जाना है ग्यू विलेज, और ये इस बार आपके लिए एक नई डेस्टिनेशन पर मैं जा रहा हूँ, ताकि आप कुछ नया देख सकें। ये ज़्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर का रास्ता है, 12 किलोमीटर जाना और 12 आना। गाइज ग्यू वाले रोड के तो बुरे हाल है, भयंकर रूप से बर्फ ही बर्फ पड़ी है, और ख़तरा सबसे बड़ा है ब्लैक आइस का, जो रास्ते में पड़ी है, बहुत ही सोच समझ कर चलानी पड़ रही है। सो सामने ग्यू विलेज आ गया, और मुझे एक मोनेस्ट्री जैसी बिल्डिंग ऊपर दिखाई दे रही है, शायद वही मोनेस्ट्री है। सो गाइस दिस इज़ ग्यू विलेज, ब्यूटीफुल है, सामने के माउंटेन को देखो क्या गज़ब, इतना ऊँचा, वहाँ कोई नहीं मिलेगा ऊपर। अच्छा अच्छा तो फाइनली गाइज मैं हूँ ग्यू मोनेस्ट्री पर, आप देख सकते हैं सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ग्यू मोनेस्ट्री, अमेजिंग अमेजिंग गाइज अमेजिंग अमेजिंग, क्या गज़ब मोनेस्ट्री है यार, क्या गज़ब, अल्टीमेट। पहले तो ये वाला नज़ारा देखो, और फिर ये वाला नज़ारा देखो गाइज, है ना एकदम खूबसूरत, क्या स्ट्रक्चर बनाया है, amazing। क्या कहते हैं दोस्तों, गजब यार, पैसा वसूल जगह है सच में। दोनों तरफ इसके बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, ठीक इसके पीछे वाला पहाड़ भी बहुत ऊंचा है, और आजू बाजू में भी पहाड़ है, सामने का व्यू भी कुछ इस तरह का है। तो ये तो एकदम अल्टीमेट लोकेशन पर है, एक जन्नत में बसी हुई है, ये देखिए गज़ब यार गज़ब। बाकी गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है, और वो है जहाँ पर मम्मी रखी रहती है। सो चलिए मैं उसको, उस जगह को आपको करीब से दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर लगा हुआ है ताला, यहाँ कोई है नहीं, और मम्मी जो है इसी के अंदर रखी हुई है, ये एक अलग से रूम बनाया हुआ है। सो
विंडो भी क्लोज है, यहाँ से भी कुछ नहीं दिखाई देगा। सो चलिए गाइस, ग्यू मोनेस्ट्री को कहते हैं बाय बाय, बिकॉज़ यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ है ताला। हालांकि मैंने कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं और वीडियो बनाई है जो आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट मंजिल धनकर विलेज।